रात के समय पेड़ पौधों के झुरमुट के आसपास चमकते हुए जुगनुओं को आपने देखा ही होगा। जुगनू के बारे में तो आप सब जानते होंगे। जुगनुओं के चमकने का मुख्य उद्देश्य उनके साथी को आकर्षित करना होता है और अपने लिए भोजन तलाशना होता है। ये जुगनू आजकल शहरों में बड़े कम दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हें ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में भी देखा जा सकता है। वर्ष 1667 में इस चमकने वाले कीड़े की खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट बायल ने की थी। जी हाँ, इस कीड़े की खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट बायल ने की थी। पहले यह माना जाता था कि जुगनुओं के शरीर पर फास्फोरस होता है, जिसकी वजह से वह चमकते हैं, परंतु इटली के वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया कि जुगनुओं के चमकने का कारण फास्फोरस नहीं होता, बल्कि ल्यूसीफेरस नामक प्रोटीन के कारण यह चमकते हैं। जी हाँ, ल्यूसीफेरस नामक प्रोटीन के कारण यह चमकते हैं। जुगनू के चमक जो है हरा, पीला, लाल तरह का होता है। ये अधिकांश रात में चमकते हैं और मुख्य बात यह है कि ये जंगलों के पेड़ की छाल में अपने अंडे देते हैं। जी हाँ, जंगलों के पेड़ के छाल में अपने अंडे देते हैं। और मुख्य बात यह है कि मादा जुगनू के पंख नहीं होते, केवल नर जुगनू के पंख होते हैं।